हेलो गाइस, मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हब स्टडी पॉइंट पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और यह मैथ प्रैक्टिस सेट पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए मैंने मैथ प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जिनका भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है या एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा हो, ठीक है, तो चलिए इस 10 क्वेश्चन की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन। 10 या 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 30 रुपये 60 पैसे 60 रुपये में अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए था। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो ट्रिक है तो वह ध्यान में रखें, ट्रिक फर्स्ट, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जितने में कहा जाए कि इतने परसेंट हानि पर और इतने परसेंट लाभ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने पे अधिक बेचेगा तो 30 रुपये जितना कहे रहा उसमें आप 100 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और अगर हानि और लाभ है तो दोनों को जोड़ देना है, भाग में क्या करना है, भाग में एक हानि हो और एक अगर लाभ हो तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। दोनों लाभ होंगे तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, दोनों हानि होंगे तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखें। और ये आपका आएगा क्या, तो ये आएगा आपका कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी उस वस्तु को हमने जितने में परचेज किया है, ठीक है। तो 30 रुपये यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमेशा लिखना है कितने में अधिक, मतलब जितना रुपए अधिक बेचता है या कम में बेचता है और उसे हानि होता है या फिर लाभ होता है, वह पॉइंट यहाँ पर हमको लिखना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 60, और हानि है आपका 15% और लाभ है आपका 9%। तो इस तरह से कुल हो जाएगा 30 60 बटे 15 और 9 हो गया आपका 9 5 14 यानी 24, ठीक है। 12 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 12 2 24, 12 2 24 और 6 66 हो जाएगा, तो 12 5 60 और 12 5 60 यानी ये आ गया आपका, 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10 यानी उस कास्ट प्राइस क्या हो गया, 127 रुपये 25 पैसे, ठीक है, इतना 50 पैसे यह उसका मूल्य हो गया। कह रहा है कि 10% अगर हमको लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना चाहिए, तो इसी का हम 10% लाभ निकाल लें। तो 127 50 पैसे का हम 110% निकालेंगे, ठीक है। 10% लाभ का मतलब कि 110 बटे 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0 11 5 55, 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव आप लगा दें, ठीक, 11 5 55, 11 7 77 और 5 82, 11 2 22, 22 और 8, 22 और 8 ये हो गया आपका 30, और 11 का 11, और ये हो जाएगा आपका 10% लाभ पर जो है बेचता है वह, ठीक है। तो 127, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था, ठीक है, ये पूछा है। तो 11 5 55, 11 2 22, 22 और 8 30 हो जाएगा, 11 क्या 11 और 3 14, और बटे क्या है, 10 है, 10 तो 10 तो 10.1 यहाँ पे खिसक आएगा, यानी आ जाएगा 140 रुपये 25 पैसे, कितना आ जाएगा, 140 रुपये 25 पैसे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो जब भी अगर पूछा जाए कि 15% कोई वस्तु अगर बेचा जाए तो इतने परसेंट का हानि या लाभ होता है, या दूसरे उतना अधिक या कम में बेचे तो इतना परसेंट का लाभ हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप ट्रिक हमेशा याद रखेंगे क्या, यहाँ पर जितना अधिक या कम कहेगा, पैसे की बात, अधिक या कम कहेगा उसमें आप 100 से गुणा करेंगे, और उसके बाद अगर दोनों लाभ हैं तो घटाना है, दोनों हानि है तो घटाना है, अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है, ठीक है। मान लो जैसे कहता कि 10% का लाभ हुआ और फिर 5% का लाभ हुआ, दोनों में लाभ कहता तो 10 वाले में से 5 वाले को क्या करते, घटाते, ठीक है, ये बात आप मेरी समझ पाए। और अगर एक में लाभ हो एक में हानि हो तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लाभ हानि होगा तो दोनों को जोड़ करके भाग देंगे, वह आपका जो आएगा वो कास्ट प्राइस आएगा, मतलब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा,
क्रय मूल्य, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का दूसरा ट्रिक देखते हैं, दूसरे तरह से हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो सेकंड टाइप इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचता है, तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, उसका कास्ट प्राइस हमने क्या मान लिया 100 रुपये। अब अगर हमको 15% की हानि पर बेचना है, तो 15% हानि पर बेचेंगे तो 100 का 15% हानि निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में से 15 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 85, कितना आ गया 85। हमने माना है कि कास्ट प्राइस क्या है 100 रुपये है, तो कितने अगर 15% की हानि हो रहा है तो वो 85 रुपये में बेचा होगा। यदि वह उसे इतने रुपए में अधिक में बेचता तो उसे 9% का क्या होता, लाभ होता। तो अगर हम इसको भाई अगर 100 रुपये है तो 9% का लाभ पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 109 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी तो हमको 9 रुपये का लाभ होगा या 9% का लाभ होगा। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लोगे, ठीक है। यह क्या था 109 रुपये, जो 9% लाभ अगर कमाना है, भाई कास्ट प्राइस 100 रुपये है, 9% लाभ कमाना है तो 109 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम निकाल लेते हैं क्या अंतर, अंतर आप अगर निकालोगे तो 85 और 109 का, तो 15 9 ये हो जाएगा आपका 24, कितना आ गया 24। तो ये 24 का जो अंतर है, यह 24 का अंतर कितने के बराबर है, तो 30 रुपये 60 पैसे के बराबर है। तो एक का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 30 60 बटे 24। इसी तरह से भाई 1 रुपये का, ये 1 रुपये का अंतर है, तो हमारा है कितना कास्ट प्राइस 100 रुपये है, तो हम 100 का क्या कर लें, गुणा कर लें। तो 100 का अगर हम गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 24 से आप भाग देंगे तो यही आ जाएगा 127 रुपये 40 पैसे, कितना आ गया 127 रुपये 40 पैसे आ गया इसको सॉल्व करने पर। ये है आपका ओरिजिनल प्राइस यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक। ये क्रय मूल्य आपका निकल गया, ठीक है। हमने क्रय मूल्य 100 माना था, ठीक है। तो एक का इतना हो गया, तो 100 का कितना हो जाएगा, इतना रुपए हो गया, मतलब वो वास्तविक जो क्रय मूल्य है यह है, ठीक। अब 10% अगर हमको लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे कि 127 इंटू 110, 10% लाभ मतलब 110, यानी 100 में हम 10 जोड़ लेंगे और बटे 100 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140 रुपये 25 पैसे। बात आप मेरी समझ पाए, तो इस तरह से भी हम इसको क्विकली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 2 × 3 इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दिया है 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 का 3 × 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में दिया है 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 का 4 − 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग जानते हैं कि हम सबसे पहले किसको हटाते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं, BODMAS, बर्ड मास, ठीक है। B का मतलब हो गया ब्रैकेट, ऑफ का मतलब हो गया, O का मतलब हो गया ऑफ, ठीक है। B मतलब ब्रैकेट, यानी जितने भी छोटे बड़े ब्रैकेट हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। फिर है ये आपका ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जैसे यहाँ पे शब्द क्या लगा है का और यहाँ पे का लगा, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिंग और फिर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ये आपको बेसिकली जो है बातें आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 का, अब का है तो का को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 6, फिर इंटू है 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई को हम इंटू में लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे 1/2, है ना। जैसे अगर 2 / 3 है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर भाग को हमको गुणा में चेंज करना तो हम लिख सकेंगे 1/3, इस 3 को क्या लिखेंगे 1/3, जब भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो हमने भाग को गुणा में यहाँ बदल दिया,
और 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ के का है, तो अब का है तो पहले का वाले को आप सॉल्व करोगे, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16, फिर ठीक ये 16 हो गया पूरा ये, ठीक। −4 / 4 क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे है 2 × 3, इधर भी आप इसको सॉल्व करते रहें, तो अब इसको भाग को हम क्या करेंगे, गुणे में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 × 2 / 1, ये हो गया आपका 4+, ठीक है। अब इसको भी हम बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पहले 4 × 4 आप लिख ही लें, डिवाइडेड बाई को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, और ये हो गया 1/16 −4 / यहाँ भी है तो 1/ हमने लिख दिया 4 × 4, क्लियर। तो ये हो गया आपका 2 × 3 = 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ केवल बचा 2 अपॉन में 1/। अब इधर अगर देखें तो देखिए, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, केवल 4 बचा, तो 4 में से 4 घट गया तो 0 हो गया, लेकिन ये तो बचा ना, ये वाला पोर्शन बचा, तो कितना बचा, 1, यानी क्या आ गया, 1/1, ठीक है। तो 2 × 1/1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 2। तो 2 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, यानी पहला वाला आंसर। चले क्वेश्चन नंबर, हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है क्या, कि sin θ − 2 sin 3θ / 2 cos 3θ − cos θ² + 1, ये गिवन है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो ऊपर वाले में आप साइन देख रहे हैं, कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 − 2, 3 साइन थे तो एक कितना बचेगा, sin²θ, ठीक है। नीचे भी इसी तरह से आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पे cos थीटा कॉमन है, हमने cos कॉमन ले लिया, तो यह बचा आपका 2 cos²θ − 1, ठीक। और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका sin θ / cos θ × ठीक है, sin θ यहाँ पे इंटू है, 1 − 2 sin²θ किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है cos²θ का फार्मूला, आपको सभी याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। और 2 cos²θ माइनस का हो गया cos²θ, और एक 2 cos²θ, यह भी आपका हो गया cos²θ, ठीक है। और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया, और प्लस 1 है, प्लस 1 कर दिया, cos²θ से cos²θ कैंसिल हो गया, sin/cos क्या हो गया, tan स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1, और tan²θ + 1 = होता है sec²θ, या 1 + tan²θ = sec²θ, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर, तो राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या फिर कम होगी, 2% कम, 10% कम, 10% वृद्धि या फिर 2% कम। तो क्वेश्चन नंबर फोर में जो कह रहा है, तो हम मान लेते हैं राजू, राजू का जो व्यय है, व्यय हम मान लेते हैं वह 100 रुपये का व्यय करता है, ठीक है। तो उसका व्यय जो है, आय से, उसकी आय व्यय से 20% ज़्यादा है, आय क्या है, 20% ज़्यादा है। अगर व्यय 100 रुपये करता है, तो उसकी आय बेसिकली सीधी सी बात होगी 120 रुपये होगी, ठीक है ना, ये उसकी आय होगी। अब कह रहा है इन दोनों में कि 60% उसकी आय बढ़ जाती है, तो 120 का अगर हम इसका कितना करें, 60% का मतलब वृद्धि, वृद्धि जब भी कहेगा तो क्या करेंगे, 160/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लें तो 16 × 2 = 32 और 16 × 1 = 16 = 3 = 19, यानी 192 रुपये, यह 192 रुपये क्या आया उसका, अब नया आय आया, ये क्या आ गया, नया आय आ गया जब 60% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि 70% उसके व्यय में भी वृद्धि हो जाती, पहले व्यय 100 रुपये था, अब व्यय 70% वृद्धि बढ़ गई, तो 170/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ गया आपका 170 रुपये।
अब जो नया व्यय है, नया जो व्यय है वह है अब आपका 170। पहले व्यय कितना था? हमने माना था 100 रुपये, अब व्यय कितना है? तो 170 रुपये। ठीक है, तो पहले जो बचत था, पहले का बचत या पुराना बचत, पुराना बचत, तो पुराना बचत या पहले कितना था? तो 100 रुपये खर्च करता था, 120 रुपये कमाता था, तो मतलब कितना व्यय, कितना बचत करता था? केवल 20 रुपये का। अब जो नया बचत आया है, नया बचत हो तो नए आय में से पुराने व्यय को हम माइनस करेंगे, यानी 192 माइनस 170, यानी 22 रुपये का उसको बचत हो रही है। 22 रुपये की क्या हो रही है? बचत हो रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा ये है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। जब भी पूछा जाए कितना बढ़ा या कितना बढ़ेगा, तो बचत में से पूछ रहा है, तो पुराना बचत 20 रुपये है, नया बचत 22 रुपये है, तो इन दोनों का निकाल लेंगे अंतर। अंतर कितना है दोनों का? 2 है, और बटे पुराना बचत प्रतिशत निकालने के लिए, और इनटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 दहा में 100, यानी कितना आ जाएगा? 10%। तो 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात आप मेरी समझ पाए? ये पुराना बचत है, ये नया बचत है, 2 रुपये का अंतर है, पुराने में से हम निकालेंगे तो हमको 10% की क्या होगी? तो यह 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। तो रेनू ने 1240 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा। ये खरीदा है, मतलब ये है कास्ट प्राइस। फिर इसको कह रहा है कि 1240 को 25% घाटे पर यह बेच देती है, तो 25% घाटे का मतलब हो गया 75/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 124 का 75 में। ठीक है, या फिर इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, और 5 5 25, और 5 2 10, 2 से इसको काट लेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 15 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 2 30, और 15 6 90, मतलब 930 रुपये में उसने क्या किया? बेच दिया। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस है। फिर कह रहा है कि उस राशि से, यानी जितने में भी बेचा, तो कितने में बेचा? 930 रुपये में बेचा, उसने एक कोई दूसरी वस्तु खरीदी, तो 930 रुपये में एक दूसरी वस्तु वह खरीदता है, और उस वस्तु को भी वह बेच देता है। कितने में बेचता है? तो इस बार कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचता है, तो 930 का 40% लाभ का मतलब 100 + 40, यानी 140/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 14 3 हो गया आपका 42, 14 9 हो गया आपका 126, 126 और 4, 126 और 4 हो जाएगा 130, यानी 1302 रुपये में उसको क्या किया? सेल कर दिया। अब आपसे पूछा है कि रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कुल मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे आपको देखना है पहले वह कितना पाया। तो कास्ट प्राइस एक यहाँ पे है, और एक कास्ट प्राइस यहाँ पे है, जब उसने जो है फिर से दूसरी वस्तु को खरीदा था। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करें? जोड़ दें, यानी 1240 और 930, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 11, ये 2170 रुपये आ गया। ये है आपका टोटल कास्ट प्राइस। अब कुल बेचा कितने में? तो एक बार 930 में बेचा था, और एक बार 1302 में बेचा था, तो 1302 और 930, तो ये हो जाएगा 32, 9 3 12, और ये हो गया 2, तो 2232 रुपये में क्या किया? यह सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, यह आपका SP है। अंतर इन दोनों का निकाल लेते हैं कि कितने रुपए का जो है अंतर हम देख पा रहे हैं। तो 2170 अगर हम माइनस कर दें, तो यहाँ 2 13 में से 7 निकल गया, तो 13 13 में से 7 निकल गया, ये आपका 6, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 62 रुपये का जो है हम अंतर देख पा रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि उसको कुल कितने प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ कितने का हो रहा है? तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो 62 बटे क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस, यानी 2170 × 100। ठीक है, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ये हो गया आपका 620 बटे 217, 620 बटे 217, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 यानी लगभग लगभग ये अगर हम भाग दें तो 217 है, तो 2 तिहाई 6 यानी 2.8 के आसपास जाएगा, यानी नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि यह 3%, ठीक है, लगभग लगभग जो है 3% के आसपास होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 3% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, तो दो वृत्त बना लेते हैं, एक 10 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, और दो बिंदु पर काटते हैं, P और Q पे। तो ये हम मान लेते हैं बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है। दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, ठीक, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। हम मान लेते हैं ये O है, ये O डैश है, इन दोनों को केंद्रों के बीच की दूरी मिला लेते हैं। फिर कह रहा है पी क्यू, पी और क्यू की दूरी दिया है, तो इसको इसको मिला लेते हैं पी क्यू, इसकी दूरी पूरा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी अगर आप वृत्तों के केंद्रों को मिलाएंगे और जो कटान बिंदु है उस रेखा को मिलाएंगे, तो ये इस रेखा को आधे आधे भागों में बांटेगी, इस रेखा को, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो इसका मतलब 6 ऊपर होगा और 6 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। त्रिज्या दिया है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 10 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ये गिवेन है। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है L, तो हम एक देखो यहाँ पर ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे PLO, तो कौन सा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज PLO, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PLO में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा, ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो OL हम मालूम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी ये 6 का स्क्वायर और प्लस आधार, ये नहीं मालूम है, हम वही लिखते हैं OL स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 36 बराबर OL स्क्वायर। तो OL स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 64, तो OL बराबर 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह से हम दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे PLO डैश, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PLO डैश वाले में देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब OL या LO डैश का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64, 36 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका LO डैश का स्क्वायर। तो 64 में से हम 36 माइनस कर लें, 14 में से ये 6 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8, और 5 में से 3 निकल गया, ये 2 हो गया, LO डैश का होल स्क्वायर। तो LO डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √28, ठीक है। तो आंसर भी दशमलव में ही है, तो √28 का हम मान निकाल लेंगे, तो √28 की जो वैल्यू आ जाएगी, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा, 4 × 7, तो 4 का वर्गमूल 2, √7, ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7, और अंडर रूट 7 की अगर हम वैल्यू निकालें, तो 7 का वैल्यू हम 2 अंक तक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4, 3 बचा, 00 करेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव आप लगाओगे, ठीक है। तो ये 4 7 चौक 28, ठीक है, तो 7 बार नहीं, 6 बार लगभग, तो 6 बार हम ले जाएंगे, तो 6 × 36 और 6 चौक 24, 24 और 3 ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, फिर 00, ठीक, 2400 हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा 5, तो 5 × 25 तो जाएगा नहीं, यानी लगभग 4 बार, ठीक है। तो 2 × 2
4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 चौक 8, 2 छंग 12, दसमलव लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया ठीक है। तो 2 यानी 5.28 ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू मिल गई 5.28। फिर कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो 8 और 5.28, तो ये हो जाएगा 0.28, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13.28, तो 13.28 का मतलब सभी एक एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक इसको हम अगर वो लैप्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.3 ठीक है, क्या आ जाएगा 13.3, यानी हमारा लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 7 दिया है, यदि 16x² + 9y² + 4z² = 24x - y + z और -61, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है xy + 2z की ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं 16x² + 9y² + 4z² = 24x - y + z और -61 ठीक है। तो आप करोगे क्या, जब भी x² y² z² इस तरह से अगर आपको क्रम में मिलते हो, इस तरह से हैं, तो आप x वाले को x के साथ लो, y वाले y वाले के साथ, z वाले के साथ, तो यही हमको करना है यहाँ पे। तो हमने इसको लिखा, ये किसका स्क्वायर है, 4x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24x + ये 3y² है। अच्छा इसको इधर अगर हम ले आएंगे ठीक है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24y ठीक, +2z² और इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो गया 24z और बराबर, या 61 को भी आप इधर ही लेते हैं तो ये हो जाएगा +61 = 0 ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये है 24x, तो 24x है और 24x में से यहाँ पे देखें 4 × 6 लिख सकते हैं, और 4 × 6 जब भी ये बीच वाला जो पोर्शन होता है आप जानते हैं ये 2ab का होता है, तो 2 तो पहले आप निकाल लें, जब 2 निकालेंगे तो बचेगा 12, 12 में से एक 4 निकालना है क्योंकि a का मान 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, तो इसका मतलब यह हो गया ये b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 2ab, a का मान ये है ठीक है, 2 हमको लिखना ही है, और बी का हम कितना करें कि 24 हो जाए, तो 2 4 × 8 = 24 ठीक है ना, बी तो बी का मान मिल गया 3, यानी हम जो बी आया है इसी का स्क्वायर करके हमको क्या करना है ऐड करना है ठीक है। तो 4x² - 24x, हमने 9 जोड़ दिया, ध्यान में रखें हम 9 इसमें से निकालेंगे, +61 है तो 9 इसमें से हमने निकाल लिया ठीक है, 9 हमने इसमें से माइनस कर दिया, ध्यान में रखें। चलें अब इधर ये हो गया आपका 3y² + अब ये भी आपका है 2ab, 2 पहले निकल गया, इसमें से b a के स्थान पे 3 है, a के स्थान पे इस बार क्या है 3 है, तो b का मान हम कितना रखेंगे 24 आएगा तो 4 रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब b का मान 4 है तो कितना हम निकालें 16 ठीक है, तो इसको पहले लिख लें 24y, तो हमने 16 जोड़ दिया, यानी इसमें से 16 और निकल गया जितना हम जोड़ते जाएंगे उतना इसमें से निकलता जाएगा ठीक है। प्लस अब इधर अगर देखें तो इधर है आपका 2z ठीक है, ये 2z² है, ध्यान में रखें 2z², तो 2z² है, यह भी आपका है 2ab, तो 2 तो निकल गया, बचा 12, a की जगह पे क्या है 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 4 में कितने गुणा करेंगे 6 का, तो 6 का जब गुणा करेंगे तो इसका मतलब 36 जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा 36, तो पहले लिख लें 2z² - 24z, हमने 36 जोड़ दिया ठीक है, तो ये हो गया -36। अब पहले इन सभी को जोड़ लें कितना आता है, तो 6 और 6 = 12, 12 और 9 = 21 ठीक है, 3 + 1 = 4, 2 + 3 = 4, 4 + 2 = 6 -61 हो गया, तो 61 और -61 कट गए, मतलब अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 हो गया ठीक है। तो 36, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, यही 61 है ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब ये जानते हैं आप क्या है,
ये है आपका 4x का होल स्क्वायर है, ध्यान में रखें, यहाँ 3y का होल स्क्वायर है और यहाँ 2z का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो ये हो गया माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे आप, तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं सब प्लस है, तो इसका मतलब प्लस वाला फार्मूला है, 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ये आप देख पा रहे हैं ये 2z माइनस माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला, यहाँ z है भाई, z मैंने लिखा नहीं, z है 24z, और ये हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हम देख पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, बराबर 0 है तो सभी जो टर्म्स हैं उसको बराबर 0 करके तुलना आपको कर लेना है, तो 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3/4, 3y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर आ गया -4/3, यहाँ हो जाएगा 2z माइनस 6 बराबर 0, तो z बराबर आ गया 6/2, यानी आ गया 3, क्लियर। तो हमको सभी की वैल्यू मिल गई, अब हमको सॉल्व क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई प्लस 2z की, तो x के प्लेस में हमने x की वैल्यू रख दिया 3/4, y की वैल्यू -4/3 और z की वैल्यू 3, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस तरह से हमारा आंसर क्या मिल गया, -3, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, -3, क्लियर गाइज। तो यहाँ पे आंसर में -3 एक भी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो -3 यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमको लगता है -3 होना चाहिए था इसको, तो -3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा सातवां, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 4% की हानि होती है तो उस वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो क्या क्या दिया है पहले वह नोट डाउन कर लें, तो दिया है आपका अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य दिया है 315 रुपये, ठीक है, और उसे बेचा जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया है ये आपका 288 रुपये, ठीक है। अब 4% की क्या होती है, हानि होती है, हानि कितनी होती है, 4% की हानि होती है, हानि प्रतिशत ये दिया है, ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दिया है, 4%, ठीक है। तो अंकित मूल्य 315, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि इसका कास्ट प्राइस कितना है, यानी क्रय मूल्य, अक्रय मूल्य बराबर आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य इंटू 100 और बटे, अगर हानि है तो हम लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक, फार्मूला आपको सभी को मालूम होना चाहिए। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 288 रुपये इंटू 100/100 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 288 इंटू 100/ ये हो जाएगा आपका 96। तो अगर देखें तो 6×4=24, यानी ये जाएगा 3 बार, देखो 3×6=18, 3×9=27 और 288, यानी ये आ जाएगा आपका 300 रुपये, ये आपका क्या हो गया, कास्ट प्राइस यानी CP, ठीक है। अब पूछा कि कितना, यानी अंकित मूल्य कितना ज़्यादा अंकित किया गया था, तो 300 से कितना अंकित किया गया है, 315 कास्ट प्राइस उसकी 300 थी, लेकिन अंकित किया गया 315, यानी 15 रुपये क्या किया गया, ज़्यादा अंकित किया गया है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, अंतर बटे पूरा जो कास्ट प्राइस है, यानी 300 और इंटू 100, ठीक है, तो 15×30 हो जाएगा और 20×5=100, यानी कितना ज़्यादा अंकित किया गया था, तो 5% अधिक अंकित किया गया था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5%, ठीक है, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है,
यदि 72.2 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम के ये चार विद्यार्थी अलग से आ जाते हैं, चार नए विद्यार्थी दाखिल लेते हैं और सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है, तो शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, शुरू में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि शुरू में कुल जो विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो यक्ष है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यक्ष है। तो जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों के कुल विद्यार्थियों के का के भार का कुल योग, और जब भी योग निकालते हैं तो मैंने आपको बताया है क्या लिखना है, कुल संख्या लिखना है, कुल संख्या लिखना है और उसका औसत लिखना है। तो कुल संख्या तो हमने यक्ष मान लिया, औसत है 68.5, तो इस तरह से हम ये आ जाएगा कि 68.5 यक्ष, ठीक है ना। ये हो गया कुल योग। अब ये जो चार नए आते हैं, ये जो चार नए विद्यार्थी आए हैं, चार नए विद्यार्थी, इनका हम जोड़ कर लेते हैं कि ये जोड़ में कुल कितने हैं। तो 72.2 प्लस 70.3 प्लस 70.8 और प्लस 66.7, इनका योग कर लेते हैं तो 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13 और 7, ये हो जाएगा 20.2, 6, 2, 8, 8, 8, 2, 10, ये अंक पे हासिल। तो ये 6, 7, 7, 7, 14, 7, 21, 21 और 7, 28, यानी आ गया 280 किलोग्राम, ठीक है। ये कितना आ गया, 280 किलोग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि जो नया औसत होता है, नया औसत भार, जब ये चार विद्यार्थियों को शामिल कर लेते हैं, तो जब चार विद्यार्थियों को शामिल कर लेते हैं तो नया औसत भार आ जाता है आपका 68.5 प्लस क्या हो जाएगा, 300 ग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम में ध्यान में रखें, ये 68.5 किस में, किलोग्राम में। तो 300 ग्राम को अगर हम 300 ग्राम को अगर हमको किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 0.3 किलोग्राम, ठीक है। और ये भी किस में है, किलोग्राम में है। तो इस तरह से हो गया कि 68.5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8, ये इतना आ गया किलोग्राम, ये नया औसत भार है। तो अब फिर वही कुल योग बराबर कुल संख्या इंटू नया औसत, ठीक, नया वाला औसत। तो कुल योग यानी हम कुल भार जोड़ लेंगे, तो पहले भार इतना था और बाद में 280 और बढ़ गया तो जोड़ लिया, तो ये हो गया 68.5 यक्स प्लस 280, ये कुल योग हो गया। बराबर कुल संख्या कितनी है, तो पहले संख्या एक्स थी और बाद में कितने और बढ़े, 4, तो यक्स प्लस 4 हो गया। औसत, नया औसत क्या हो गया, तो नया औसत हो गया भाई 68.8 किलोग्राम, ठीक है। अब इसका गुणा कर ले तो 68.5 यक्स प्लस 280 बराबर ये हो जाएगा 68.8 यक्स प्लस, ठीक है, 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 68.8 ऐसे ही लिखने दें, ठीक है। इसको आप उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको उधर ले आएंगे और इस वाले पॉइंट को इधर ले आएंगे, तो 280 माइनस, अब 4 का गुणा कर ले तो 4, 8, 32, 4, 8, 32 और 3, 35 और 4, 6, 24, 24 और 3, 27 बराबर। अब 68.5 में से ये घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.3 यक्स, ठीक है। तो 280 में से 75 ये हम घटाएंगे तो 280 ये आ जाएगा 0.8, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 5 निकल गया 4, तो 4.8 बराबर 0.3 यक्स। तो दोनों एक एक अंक पे है, 0.5 आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 48/3, तो 3 1 का 3, 3 6 18, यक्स का मान आ गया 16। यक्स हमने क्या माना था,
शुरू में विद्यार्थियों की संख्या। तो यही आपसे पूछा भी है, शुरू में विद्यार्थियों की संख्या 16 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए ओ को बढ़ाया जाता है, ए ओ को बढ़ाने पर वह वृत्त को के पर मिलता है और ए डी को, ए डी जो है बी सी पर लंब है, कोण बी 80 है, कोण सी 64 है, तो कोण डी ए का, डी ए के का मान पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, तो एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ए ओ को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त है आपका, इसी के अंतर्गत जो है एक वृत्त है, इसी के अंदर क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, अब ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ए ओ को कहता है कि आगे बढ़ाने पर, ए ओ को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ए ओ को आगे बढ़ा दिया, तो हम मान लेते हैं ये सेंटर है, तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा तिरछा, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया। आगे जब बढ़ा देते हैं तो यह वृत्त को कहाँ पे काटता है, के बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो ए डी बी सी पर लंब है, तो ये बी सी हो गया, एक रेखा ए डी है, ए डी है जो बी सी पर क्या है, लंब है। ठीक है, कोण बी दिया है, ये दिया है 80 डिग्री और कोण सी दिया है 64 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है डी ए के का मान। तो डी ए के कहाँ है, तो ये है भाई डी ए के, यानी इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलें इस कोण की अगर हम वैल्यू देखें, तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। अब केंद्र से सीधी रेखा जाती है तो वो क्या होता है, व्यास। अगर ये व्यास है तो ये बनेगा अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, तो 90। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये ध्यान में रखें। ठीक है, अच्छा अब इधर देखें, इधर 90 है भाई, ये लंब रेखा, ये कैसी रेखा है, लंब, तो इधर भी 90 रहेगा, इधर भी 90 रहेगा, तो ये 90 है, 90 80, तो ये कितना होगा, इतना ये होगा 10 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में देखें, ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले ये इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें ए डी सी में, तो इधर 90 है, इधर 64 है, तो इस पूरे कोण का मान 90 64, यानी 180 में से हम इसको घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 9 6 15, यानी आ गया ये 26 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा 26, हमको केवल इतना निकालना है। ठीक है, इतना निकालना है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखें, ये अगर 80 है, ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, तो जितना ये है उतना ये भी होगा 80 डिग्री। ठीक है, तो 80 डिग्री ये भी हो गया, तो ये 90 है, ये 80 है, तो ये कितना बचा, ये भी 10 बचा। ठीक, पूरा ये कितना था, तो पूरा मैंने अभी बताया 26 था, यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, 26 था। अब 26 में से 10 अगर इतना निकाल दें, तो ये कितना बचेगा, 16, मतलब कितने डिग्री का है, 16 डिग्री का यह एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसको लगाना भी नहीं पड़ा, इसको ऐसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो आपको मैं ये इसको फिर से रिपीट कर दूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो एक दिया है त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी सी पर लंब है, तो एक त्रिभुज है, हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और ए डी जो है बी सी पर क्या है, लंब है, और कह रहा है बी ई, तो ये बी ई हो गया। ठीक है, और बी ई ए डी को, ए डी और बी ई, ए डी और बी ई को एक दूसरे पर कहाँ पे काटते हैं, तो एफ बिंदु पर, ये बिंदु है एफ पर काटते हैं। ठीक है, और बी ई इस पर क्या है, लंब है। ठीक है, ये भी क्या है, लंब है, लंब दोनों तरफ होंगे। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पे क्या दिया है, बी एफ और ए सी आपस में बराबर हैं, कौन कौन बराबर हैं, तो ये रेखा यानी बी एफ बराबर ए सी, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, बराबर है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें, हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज बी डी एफ, बी डी एफ और एक त्रिभुज हमने ये ले लिया बी डी एफ लिया, एक त्रिभुज ले लिया ए ई एफ, क्या ले लिया, ए ई एफ ने। अच्छा इन अब ये दोनों त्रिभुज को देखें तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्लियर है ना। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा भी दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे, कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे, बात समझ में आ रही है ना मेरी, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं बी डी एफ, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज बी डी एफ और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ले रहे हैं ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है ना, और ये 90 है और इधर भी, ठीक है, ध्यान में रखें, एक ये हमने त्रिभुज लिया है, ठीक है, तो इसको ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है, और बी डी एफ का ये वाला 90 और ए डी एफ का इधर वाला 90 आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि तीसरा वाला जो कोण होगा वह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले के कोण के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अब अगर समरूप हैं तो हम एक बेसिकली सा जब जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं भाई कि बी एफ तो बी एफ बटे ए सी, ठीक, इन दोनों समरूप त्रिभुज में बी एफ बटे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, बी डी जिस पर ये लंब रेखा है बी डी, और इधर क्या हो जाएगा ए डी, बी डी अपॉन ए डी, और बी एफ और ए सी आप देखें आपस में ये पहले से दिया है, ये आपस में बराबर हैं, अब अगर ये बराबर हैं तो आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी आ जाएगा, इसका मतलब यह हो गया कि जो बी डी रेखा है वह ए डी के क्या है, इक्वल है, बी डी और ए डी, तो बी डी मतलब ये वाली रेखा और ए डी मतलब ये वाली रेखा, एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगर आप देखें इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो अगर ए बी डी त्रिभुज में देखें तो ये और ये आपस में हमने अभी क्या प्रूव किया कि आपस में बराबर हैं, तो इसके साथ इस रेखा के सामने का ये कोण और इस रेखा के सामने का ये कोण दोनों कैसे कोण होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम इसको यक्स मान लें तो ये भी ये पूरा कितना होगा, यक्स होगा। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि कोण ए बी सी का मान बताएं, कोण ए बी सी का मान बताएं, ठीक है, तो ए बी सी का आपको मान बताना है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, अब देखें ए बी डी में ये वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये कोण, यानी यक्स प्लस यक्स और प्लस ये वाला कोण, यानी कितना है 90 बराबर, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 2x बराबर हो जाएगा, 90 घट जाएगा तो 90, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 45 आ गया, यक्स मतलब ये भी 45 होगा और ये वाला भी, और ये वाले को हम क्या नाम देंगे, ए बी सी कहो चाहे ए बी डी कहो, तो कोण ए बी सी आपको मिल गया 45 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो बहुत आसान सा, इसके पहले भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन में दिया था कि साइन थीटा की वैल्यू दिया था और उसमें कॉस का वैल्यू पूछा था, और इस बार कॉस की वैल्यू दिया है और टैन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर ही सकते हो। तो क्या दिया है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p/1 p², ठीक है, तो इसमें करो क्या कि आप साइन निकाल लो, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो आप आसानी से ही निकाल सकते हो। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इसी का रखना है मान, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस टू पी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी और इसका भी, और अपान में क्या आ जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको आप ओपन कर लें तो वन प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर, ठीक है सॉरी ये पी हो जाएगा पी पे पावर फोर, और ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा फोर पी स्क्वायर अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट में। अब ये आ गया आपका वन प्लस पी पे पावर फोर, और ये माइनस हो जाएगा फोर पी स्क्वायर में से टू पी स्क्वायर, तो माइनस टू पी स्क्वायर अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे हैं कि यह हो जा रहा है वन माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, और अपान वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में है, रूट में लिखें। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई क्या, वन माइनस पी स्क्वायर अपान वन प्लस पी स्क्वायर, ये हमको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन की वैल्यू हमको मालूम ही है, तो वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर अपॉन अपॉन कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू ऑलरेडी दिया है टू पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो वन प्लस पी स्क्वायर से वन प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका आ गया वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू पी, ये आ गया टेन थीटा की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आप मेरी समझ पाए। चलें क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। यदि आठ अंकों की संख्या दिया है सात आठ नौ पाँच तीन एक वाई, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 3y की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो संख्या पहले लिख लेते हैं। संख्या दिया है 7 8 9 x 5 3 1 और y, कह रहा है कि यह 72 से विभाज्य है। अब अगर 72 से विभाज्य है तो मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था कि यह संख्या 8 और 9 8 9 72, तो यह संख्या, ये जो संख्या है आठ अंकों की, 8 से भी कटना चाहिए 9 से भी कटेगा, अगर ये दोनों संख्याओं से अगर विभाज्य होगा तो वह संख्या 72 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 8 से पहले चेक करना है, तो 8 से हम पहले क्या चेक करते हैं कि लास्ट वो जो 3 डिजिट है, ठीक, अगर वह 8 से कट रहा है तो 3 1 और y, ठीक, हम y के प्लेस पर क्या रखें, अगर 1 रखते हैं तो 8 से तो कटेगा नहीं, अगर 2 रखें तो देखें तो ये हो जाएगा 8 3 24 24, और ये हो जाएगा आपका 7 72 8 9 72, मतलब y का मान अगर हम 2 प्लेस कर रहे हैं तो यह कट जा रहा है, तो y के प्लेस पे तो 2 हो गया। चले अब 9 से चेक करते हैं, 9 से कैसे हम चेक करेंगे, तो 9 में हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने पे अगर वह 9 से कट रहा है तो वह कट जाएगा, तो जहाँ 9 आए आप वहाँ पर ऑलरेडी पहले काट दें, जैसे देखिए 8 और 1 9, तो इसको आप काट दो, ठीक है 9 है तो ये 9 आप काट दो, ठीक है, अब ये जो बचा उसको जोड़ लो, तो 5 3 8 8 और 7 15, ठीक है, और 2 इधर भी था, वाई का मान हमने कितना रखा है 2, तो 15 और 2 17 हो गया, टोटल हो गए 17, हम 17 में कितना जोड़ दें कि यह कट जाए, तो 17 भाई अगर 9 से काटना है तो 18 होना चाहिए, तो 1 ही तो जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और यह 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आपसे जो वैल्यू पूछा है, वैल्यू आपसे यह पूछा गया था कि 5x माइनस 3y की वैल्यू, तो 5x की वैल्यू कितना हमने मान लिया 1, और 3y की वैल्यू हमने कितना पुट किया 2, तो ये हो गया आपका 5 - 6 यानी -1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया -1 यानी बी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपको मैथ के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।